जय हिंद दोस्तों, मैं आरती द्विवेदी, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज का डिस्कशन शुरू करते हैं, अ ग्रैंड स्टॉकिस्ट विद अ रोल स्टिल रिलेवेंट। द हिंदू का आर्टिकल है, आपके थर्ड पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये एफसीआई से रिलेटेड है। एफसीआई की स्थापना फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के तहत की गई थी। किसानों से अनाज प्राप्त कर उसको सुरक्षित रखना ये एफसीआई का काम है, तथा पीडीएस को संचालित कर पीडीएस के थ्रू लोगों तक इसको पहुंचाना भी उसका काम है। एफसीआई पर आरोप लगते रहे हैं कि ये बहुत महंगा है, इसमें खर्च अधिक है उसके कार्य के अनुरूप। फूड स्टोर जो है, जहाँ पे अनाज रखा जाता है, वहाँ कीड़े और चूहे खा जाते हैं। और इनके एक चेयरमैन ने कहा था कि मानव चूहे भी खा जाते हैं। मानव चूहे का मतलब हुआ कि भ्रष्टाचार के कारण भी यहाँ अनाज का इधर उधर करना आसान है। 13 अप्रैल 2020 को 3 मिलियन अनाज उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों को एफसीआई के द्वारा उपलब्ध कराया गया। गोदामों में पर्याप्त अनाज है, एफसीआई दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचा सकता है। अतः इसके पास दो साधन है पहुंचाने के, एक रोड द्वारा, एक रेलवे द्वारा। रोड द्वारा थोड़ी कठिनाई है क्योंकि सीमा इस समय सील्ड है, तो कठिनाई होगी। और रेलवे द्वारा सस्ता और सुलभ भी पड़ता है, सस्ता पड़ता है, अतः रेलवे ज़्यादा उचित है। परंतु जहाँ रेलवे नहीं पहुँचता है वहाँ रोड का उपयोग किया जा सकता है। इस समय रेलवे और रोड दोनों ही परिवहन बंद हैं, पर एफसीआई पर्सनली रिक्वेस्ट पर अपने देश को अनाज पहुँचाने के लिए इनका इनको चलवा सकता है। प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं, जहाँ पे वो लौटे हैं वहाँ फूड सिक्योरिटी के लिए हॉट स्पॉट बन गए हैं। वहाँ पे अधिक अनाज की आवश्यकता होगी, वहाँ लोगों के पास भुखमरी की स्थिति बन गई है। राज्य सरकार को एफसीआई के साथ मिलकर चिन्हित करना चाहिए कि आसपास अनाज भंडारण है या नहीं, और वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में ही ऐसे छोटे छोटे गोडाउन बनाकर तत्काल के लिए उनमें अनाज भंडारण कर लेना चाहिए, ताकि अचानक जरूरत पड़ने पर अनाज का आना कठिन प्रतीत ना हो। और ग्राम पंचायत, स्थानीय पंचायतों को ये अधिकार देना चाहिए, उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए, ताकि उन्हें पता होता है वास्तव में किसे अनाज की ज़रूरत है और किसे नहीं। कई बार ऐसे लोग ले लेते हैं जिन्हें आवश्यकता नहीं है, और ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता जिन्हें आवश्यकता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पहले गरीब नहीं थे, पर उनका इस समय जॉब छिन जाने के कारण वो भुखमरी की स्थिति में आ गए हैं, परंतु वो बीपीएल कार्ड उनके पास नहीं है, तो उन्हें पीडीएस से अन्न मिलना संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोगों की पहचान भी स्थानीय पंचायत के लिए आसान बात है, और वो पहचान करके उनको अन्न की उपलब्धता कराए। सप्लाई चेन टूट रही है, तो एफसीआई को नाफेड के साथ मिलकर किसानों के साथ सप्लाई चेन को सुदृढ़ करना चाहिए। किसानों से अनाज लेना और उनको बीज आदि मुहैया कराना एफसीआई का काम है, और इसे अच्छे से करना चाहिए। तो यही इस आर्टिकल में था। अगला आर्टिकल है ऑफ कोर्स, ये भी ये सेकंड पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसमें कावेरी विवाद को बताया गया है। कल सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था कावेरी विवाद पर, उसी के आधार पर है ये आर्टिकल। कावेरी विवाद किस किस के बीच में है, तो मुख्यतः तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है, परंतु केरल और पुडुचेरी भी इसमें शामिल हैं। कावेरी की लंबाई 765 किलोमीटर है। कोडागु जिला कर्नाटक से निकलकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और इसकी ट्रिब्यूटरी केरल और पुडुचेरी में भी प्रवाहित होती हैं। 1892 में इनके बीच विवाद हुआ था, जब कर्नाटक को मैसूर और तमिलनाडु को मद्रास कहते थे। ये अंग्रेजों के समय की बात है, तो ब्रिटिश सरकार ने इन पर इनमें समझौता करवा दिया था 1924 में। 1910 में ये लोग पानी स्टोर करने लगा था कर्नाटक, और 1924 में ब्रिटिश सरकार ने जो समझौता कराया उसमें 75% जल तमिलनाडु और पुडुचेरी को मिलेगा, 23% कर्नाटक को और 2% केरला को। कर्नाटक इससे संतुष्ट तो नहीं था, परंतु उस समय ब्रिटिश सरकार का इतना दबदबा था कि ये कुछ बोल नहीं पाया, और इसने उस समय तो इसे स्वीकार कर लिया। परंतु 1956 में स्वतंत्रता के बाद इस पर फिर विवाद खड़ा हुआ। इन्होंने कर्नाटक ने ब्रिटिश समझौता को मानने से इनकार कर दिया इन दोनों ने, और इसका राजनीतिकरण भी बहुत किया गया। 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स बना इसके विवाद के लिए। 1960 से 80 तक कर्नाटक ने कई डैम बनाए, जिसमें हिमावती, हेरंगी, सहायक नदियों पर भी डैम बनाए गए।
1986 में सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया तमिलनाडु के द्वारा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों इसको आपसी बातचीत से तब तक सुलझा लें जब तक केंद्र द्वारा CWDT की स्थापना नहीं होती। CWDT का अर्थ है कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। इसके बाद CWDT की स्थापना हुई तो इसने 205 TMC फिट कर्नाटक को बोला देने के लिए तमिलनाडु को, लेकिन कर्नाटक इस पर राजी नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गया, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। ये आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, ये कावेरी विवाद से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, इतने ये इसका क्षेत्र है जिसमें कावेरी और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। 1998 में CRA की स्थापना हुई, कावेरी रिवर अथॉरिटी की। 2007 में इसने फैसला दिया कि तमिलनाडु 419 TMC फिट रखेगा, कर्नाटक 270 TMC फिट रखेगा, केरला 30 TMC फिट रखेगा और पुडुचेरी को 7 TMC फिट मिलेगा। कल फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तमिलनाडु को जल कम मिलेगा, 170 TMC फिट का फैसला था, तो मतलब तमिलनाडु को जो जल मिल रहा था उसमें कमी आ गई। केंद्र से कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि कावेरी प्रबंधन बोर्ड की स्थापना करें ताकि इस पे इस विवाद को सही से सुलझाया जा सके। नदी पर किसी एक राज्य का अधिकार नहीं हो सकता, यह राष्ट्रीय संपत्ति है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जल प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाए, किसानों की आवश्यकता समझें। सबसे ज़्यादा ज़रूरत नदी जल की किसानों की ही होती है, अतः चाहे वो तमिलनाडु के किसान हो या कर्नाटक के, दोनों को ही जल उचित मात्रा में उपलब्ध कराया जाए। अगला है, वैश्विक लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट, प्रवासियों से प्राप्त आमदनी पर प्रभाव। कोरोना महामारी का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अनेक तरीकों से संभावित असर सामने आ रहा है। ऐसे में विश्व बैंक ने भी हाल ही में दक्षिण एशिया को विशेष रूप से रेखांकित करते हुए रेमिटेंस यानी बाहर से आने वाले धन के संबंध में चिंता जताई है। द माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ नामक फ्लैगशिप रिपोर्ट में विश्व बैंक ने इस आपदा की घड़ी में वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक विकास की गतिशीलता के वाहक और एक महत्वपूर्ण उपकरण रेमिटेंस पर आ रहे नकारात्मक प्रभावों की पहचान की है। दरअसल रेमिटेंस निम्न और मध्यम आय देशों में निर्धनता के उन्मूलन में मददगार होता है। इससे शिक्षा पर व्यय में वृद्धि होती है और लाखों वंचित घरों में बाल श्रम की समस्या को दूर करने में भी मददगार होता है। इसमें गिरावट से बहुत से परिवारों के व्यय करने की क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। विकासशील देशों में यह आय का एक प्रमुख जरिया है, लिहाजा इससे कई देशों के लोगों की व्यय करने की क्षमता भी प्रभावित हो रही है। विश्व बैंक का कहना है कि दुनिया के तकरीबन अधिकांश इलाकों में रेमिटेंस में गिरावट की आशंका बढ़ गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रेमिटेंस में इस भारी गिरावट के बावजूद भी इसका प्रभाव निम्न और मध्यम आय वाले देशों के बाह्य वित्तीय स्रोत के रूप में अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में इससे ज़्यादा ही गिरावट का अनुमान है, जो कि 35% से अधिक हो सकता है। वर्ष 2019 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की तुलना में रेमिटेंस का प्रवाह निम्न और मध्य आय वाले देशों में अधिक था। इसने विकासशील देशों के संसाधनों के संबंध में एक मील का पत्थर निर्धारित किया था। वर्ष 2021 में निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रेमिटेंस के प्रवाह में 5.6% की वृद्धि हो सकती है। विश्व बैंक में सोशल प्रोटेक्शन एंड जॉब्स ग्लोबल प्रैक्टिस विभाग प्रभाग के ग्लोबल डायरेक्टर माइकल रूटोवस्की का कहना है कि आर्थिक संकट की घड़ी में विकसित और विकासशील दोनों ही प्रकार के देशों को निर्धन वर्गों के संरक्षण के लिए प्रभावी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूती देनी होगी। इसके लिए मेजबान देश को अपने यहाँ के प्रवासी जनसंख्या को सामाजिक सुरक्षा के जरिए मदद करनी चाहिए। अगला आर्टिकल है दैनिक जागरण का, लौटते कामगारों से उपजा अवसर। जो कामगार वापस लौट आए हैं उनके बारे में है, ये रमेश कुमार दुबे का लिखा हुआ आर्टिकल है दैनिक जागरण का। अकाल, सूखा, बाढ़ और क्षेत्रीय संघर्षों को छोड़ दिया जाए तो देश में इतने बड़े पैमाने पर कामगारों का पलायन कभी नहीं हुआ। कोरोना संकट में जो प्रवासी मजदूर पैदल, साइकिल या दूसरे साधनों से और अब ट्रेनों से अपने गाँव की ओर कूच कर रहे हैं,
भी मजबूरी में ही शहर आए थे। उनका पलायन कई चिंताओं को जन्म दे रहा है। इन चिंताओं के बीच यह ध्यान रहे कि किसानों के मजदूर बनने का सिलसिला आजादी के बाद से ही शुरू हो गया था, लेकिन उदारीकरण के बाद इसमें तेजी आई। हर रोज 2460 किसान खेती को कर रहे हैं अलविदा। 2011 की जनगणना के मुताबिक पिछले एक दशक में किसानों की कुल तादाद में 90 लाख की कमी आई, अर्थात रोज 2460 किसानों ने खेती को अलविदा कहा। हरित क्रांति के अगुआ रहे पंजाब में भी हर साल हजारों किसान खेती छोड़ रहे हैं। स्पष्ट है गांव से शहरों की ओर पलायन मजबूरी में हुआ है। प्रवासी श्रमिकों ने शहरी क्षेत्रों के साथ साथ गाँव की मासिक आमदनी बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। करोड़ों प्रवासी कामगारों ने महानगरों की अट्टालिकाओं से लेकर देश भर में फैले उद्योग धंधों के विकास में अपना खून पसीना एक कर दिया। करीब 12.5 करोड़ प्रवासी कामगार दिन रात नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे में इन कामगारों की वापसी से विनिर्माण, खनन, परिवहन, व्यापार जैसी गतिविधियों को का प्रभावित होना तय है। पैसे के प्रवाह के रुकने से ग्रामीण इलाकों में भी गरीबी बढ़ेगी। ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में उदारीकरण भूमंडलीकरण का लागू करना आसान हो जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार के प्रयासों से अब गांव में न केवल बिजली, सड़क, टेलीफोन, इंटरनेट, रसोई गैस जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंच चुकी हैं, बल्कि उनकी गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। इसलिए ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में उदारीकरण भूमंडलीकरण लागू करना आसान हो गया है। करोड़ों प्रवासी कामगारों के साथ देश के लाखों गाँव में एक उद्यम परक कार्य संस्कृति भी आई है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकती है, बशर्ते उसे अनुकूल परिस्थिति मिले। यह परिस्थिति तब बनेगी जब सरकार किसानों को वैसी सुविधाएं मुहैया कराए कि वे विश्व बाजार में अपनी उपज बेच सकें। यदि केंद्र और राज्य सरकारें औद्योगिक उत्पादों की भांति कृषि उपजों के भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन के लिए नेटवर्क बनाए तो वह दिन दूर नहीं जब भारतीय कृषि उत्पाद दुनिया के बाजारों में छा जाए। खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों ने दुनिया में जैविक कृषि उत्पादों का एक बड़ा बाजार निर्मित किया है। इस बाजार में उपभोक्ता कीमत की परवाह नहीं करते। यदि भारत जैविक खेती के मानदंडों के अनुरूप कृषि उपजों के प्रसंस्करण विपणन की नीति बनाए तो बहुत जल्दी प्रतिस्पर्धा में आ सकता है। तो ये थे आज तक की जरूरी न्यूज जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। आशा है आपको ये पसंद आएगा। अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।